नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पथवारे की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तुम दूध दही बेच कर आओ। जो उसकी बहू थी वो दूध दही बेचने के लिए चली गई और उसने रास्ते में देखा कि कुछ औरतें पीपल पथवारे सींच रही थीं। उनको पीपल पथवारे सींचते हुए देखकर बहू ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो वो औरतें बोली कि हम पीपल पथवारे सींच रहे हैं। बहू ने पूछा कि इससे क्या होता है? उन्होंने कहा कि इससे अन्न और धन में बरकत होती है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है? तो आप तो पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींच लिया करूँगी। तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही को पथवारे पर सींच देती। साँच दूध और दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पे दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा चला गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारे के पास जाकर बैठ गई। पथवारे ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली कि मेरी सास दूध दही का दाम मांगेगी। तो पीपल पथवारे बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? तो वो पीपल पथवारे बोली कि ये भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जाओ। तो बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू आई और बोली कि बहू पैसे लाओ। बहू बोली, माँ जी कोठरी में रखे हैं। जैसे ही उसकी सास ने कोठरी खोलकर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। तो सासू बोली, बहू इतना सारा धन कहाँ से लाई हो? बहू ने आकर वो देखा तो सच में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास से सारी बात बता दी और सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आ गया। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारे पर चढ़ा देती और आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। तो बहू कहती कि सासू जी, मैं आपसे कैसे दाम मांग सकती हूँ? सास कहती कि तुम पैसे मांगो। तो बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ। तो जो सास थी वो पीपल पथवारे के पास जाकर बैठ गई और पीपल पथवारे ने सास को पान पतूरा भरा हुआ एक डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर उसने अपनी कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली है, तुम्हें तो धन दे दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। और तब से हर कोई बोलने लगा कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी और सास धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना। कहते सुनते हुंकारे भरते बोले, पथवारी माता की जय। कार्तिक मास की ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। बोलिए पथवारी माता की जय।